दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए मैंने इसके लिए लेस ली है और ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया है, इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। और देखिए ये ब्लाउज और अस्तर मैंने कट कर लिया है, साइज बता देते हैं। देखिए मैंने इसकी लंबाई 14.5 इंच ली है और देखिए ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है, 10.5 इंच है। और इसके जो शोल्डर लिए हैं 6.5 इंच लिए हैं और इसके मुड्डे 6 इंच लिए हैं। तो अस्तर और ब्लाउज दोनों मैंने कट कर लिया है। तो ब्लाउज को साइड में रख देती हूँ और अस्तर पे नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इस ब्लाउज की ओपनिंग बैक साइड में है। तो देखिए अस्तर को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अभी नेक लेते हैं। तो देखिए मैं इसमें डोरी डालने वाली हूँ, थोड़ा ब्रॉड ले रही हूँ शोल्डर से और ये पॉट नेक में आएगा। तो शोल्डर से 3.5 इंच ले रही हूँ और अभी हम नीचे तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी लंबाई आप जितना कम ज़्यादा उस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आप डीप पहनते हैं तो जितना मैं रख रही हूँ सेम रख सकते हैं या इससे भी ज़्यादा डीप कर सकते हैं। अगर आप कम पहनते हैं तो ऊपर की तरफ मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने ये 11.5 इंच लिया है और यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं। अभी देखिए ऊपर से हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से शोल्डर से लाएंगे और ये 3 इंच तक और 3 इंच से 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जो शेप आएगी यहाँ से फिर ब्रॉड होगी। अभी हम शेप देते हैं। तो देखिए यहाँ शोल्डर से सेम लेते हुए इस तरह से और थोड़ा सा ब्रॉड कर रही हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से आएगा ये नेक। यहाँ पे हमारी डोरी आ जाएंगी जो हमने ये 3 इंच का मार्किंग किया यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ा सा और इस तरह से ले लेते हैं तो अच्छे से ये शेप बैठ जाएगी हमारी। अभी सेम डॉट पे इसको कट कर लेते हैं। कंप्लीट हो चुका है। अभी इसी ड्राफ्ट को रख के जो हम पाइपिंग देने वाले थे ये कपड़ा कट कर लेंगे और फिर उसी तरह से कैनवास भी। तो ब्लाउज को साइड में रख देते हैं। देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और सेम ड्राफ्ट पर इसको कट कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच ले लेंगे। अभी आपको सिलाई का तरीका बताती हूँ। तो देखिए ब्लाउज को मैंने उल्टा रख लिया है, इसके ऊपर ये अस्तर का ड्राफ्ट रख लिया है और इसको हम चारों तरफ से पहले स्टिच कर लेंगे, जिससे क्या है ये पार्ट हमारा सेट हो जाएगा। और देखिए जो हमने ये कपड़ा कट किया है सेम मैंने कैनवास भी कट कर लिया था, 1/2 इंच कम लिया है इसकी चौड़ाई। और देखिए हम यहाँ पर कैनवास को और इस पट्टी को इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए जो 1/2 इंच लिया है इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए पूरा इसको रेडी कर लेंगे और जब हमारा ये ब्लाउज भी लाइनिंग के साथ सेट हो जाएगा फिर इसमें पाइपिंग देंगे, उसके बाद फिर इसको डिजाइन करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने नीचे ही पट्टी रखी, ऊपर कैनवास रखा है और इसको पूरा स्टिच कर दिया है। और देखिए इसी तरह मैंने जो अस्तर कट किया था उसको भी ब्लाउज के साथ में देखिए तैयार कर लिया है। यहाँ से नेक कट कर दिया है और जैसे प्लेट डालते हैं मार्किंग की थी हमने प्लेट भी डाल दी है। और अभी हम इसमें नेक तैयार करते हैं। तो देखिए जो हमने ये नेक कट किया ड्राफ्ट इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। और देखिए जैसे मैंने बताया मैं इसमें डोरी डालने वाली हूँ, तो मैंने ये कपड़े की डोरी बना ली है। तो डोरी को हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने 3 इंच पर मार्किंग की थी और अभी हम पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए स्टिच कर दिया है और अभी हम यहाँ पे इसको पलट के यहाँ पे पाइपिंग दे देते हैं। देखिए तो देखिए मैंने ये पाइपिंग तैयार कर दी है। और देखिए जो हमने लेस ली थी
इस लेस को हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे, जो पाइपिन है उसके किनारे पर ये लेस डाल देंगे तो ये डबल कलर आ जाए। तो देखिए मैंने स्टिच डाल दिया है और यहाँ पे भी एक स्टिच डाल देंगे। और देखिए जैसे कि ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे जो हम काज बनाने वाले हैं उसकी फिनिशिंग के लिए पट्टी कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पट्टी कट कर ली है, 3 इंच चौड़ी ली है। और जैसे नेक की फिनिशिंग हो चुकी है तो नेक से ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, नीचे इसी तरह से रहने देंगे। तो देखिए मैंने ये पट्टी भी अटैच कर दी है। अभी कमर में फिनिशिंग देते हैं, उसके लिए मैंने ये स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है येलो कलर की, क्योंकि यहाँ पे पाइपिंग दूंगी मैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। देखिए मैंने ये लेस पर स्टिच डाल दिया है, सेकंड स्टिच बाहर की तरफ। यहाँ पे भी आप देखेंगे पाइपिंग लगा दी है हमने, तुरपाई कर दिया है। यहाँ पे देखिए हुक भी लगा दिए हैं, राइट साइड में हुक है, लेफ्ट साइड में काज है। और देखिए इसी ब्लाउज के मैंने ये सुंदर से लटकन बनाए, आप इस लटकन का वीडियो भी देख सकते हैं, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ लेस लगाया है इसमें और पाइपिंग दी है, कितना सुंदर हमारा ये ब्लाउज डिजाइन तैयार हो गया है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।